टेरिफिक थर्सडे है। दो वजहों से टेरिफिक है, एक तो कल सारा अली खान का जेबी होने वाला है एंड दूसरा आज रात 8:30 बजे पापी अपने ओल्ड फ्रेंड सुरेश मेनन के साथ ब्रेन बाजी पर आने वाले हैं। ओह थैंक यू लाइट दादा, यू मेक मी ब्लश। लाइट दादा बोल रहे हैं दैट इवन आई एम लुकिंग टेरिफिक। पहचान तो मुझे गए है ना, आई एम शनाया। आप मुझे प्यार से भी कर सकते हैं वैसे। पोल बाजी पे आ चुकी हूँ मैं आपके सिर्फ घड़ी से मिला करके 10 मिनट चाहिए मुझे। दैट्स ऑल दैट आई वांट। पोल बाजी पे वेलकम करती हूँ आपका। एंड सुनिए, जस्ट 5 rounds of 5 questions एंड मेजोरिटी का पार्ट बनना है आपने। जैसे जैसे आप मेजोरिटी का पार्ट बनते जाएंगे, सही जवाब देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप जीत जाएंगे अपना शेयर 5,000 rupees में से। That's right, 5,000 में से आप अपना शेयर जीत करके जाएंगे। वो SLOW मेरी डिक्शनरी में है नहीं ना, इसलिए सब कुछ फास्ट चाहिए। एंड ऑल्सो यहाँ पर राइट हियर आपको एक हार्ट दिख रहा होगा ऐसा सा बना हुआ, या अगर वो है आपके पास तो आप काफी लकी हैं, क्योंकि उस हार्ट को यूज करके आप वापस से गेम में आ सकते हैं। एंड अगर आपके पास हार्ट नहीं है, सो डोंट वरी गाइस, इट्स ओके, यू कैन स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द गेम एंड आप तब भी दे सकते हैं अपना जवाब। अब देखिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है? आप 5,000 में से अपना शेयर भी जीत जाएंगे अगर आप पांचों के पांचों सवालों के जवाब देते रहे तो। अभी ऑलमोस्ट 9,000 से ज्यादा लोग शनाया को देख रहे हैं। हे यू 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 सबको हेलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए ये रहा, महिलाएं किस बात पर ज्यादा चर्चा करती हैं, मेन, फैशन या टेक्नोलॉजी? मेन के बारे में क्या ही चर्चा ना, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द साइज ऑफ देयर शूज गाइस एंड कभी कभी अपनी कार के साइज के बारे में भी। अब मैं तो अगर एक बार शुरू हो जाऊं तो मेरी तो बंद ही नहीं होती है। नॉट यू बाती गाइस, एंड लिसन, फैशन पे मुझे चर्चा नहीं करनी होती है, मेरी फैशन की चर्चा होती है। ऑब्वियसली जस्ट लुक एट मी, लाइक आई एम अ ट्रेंड सेटर। ये देखिए, ये न्यू है, प्रिटी है ना? एंड टेक्नोलॉजी से मुझे प्यार है, क्योंकि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन स्वाइप्स आई रियली लाइक। अभी के लिए जवाब आ चुके हैं एंड लोग बोल रहे हैं फैशन 620 लोगों ने कर ली अपनी लाइफ यूज एंड 9,500 से ज्यादा लोग अभी भी के साथ हैं। वैसे चर चा ऐसी आवाज मैंने ना सुनी थी कल रात को, आई एम श्योर आप भी सुनते होंगे हर रात को, बता देना ना पर मुझे सोशल मीडिया पर। अभी के लिए चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 9,600 से भी ज्यादा लोगों के लिए, हियर इट इज। आपकी राय में इनमें से क्या इंडिया की पॉपुलेशन एफिशिएंटली कर्ब करेगा, 1 or 2 child policy, लॉन्गर ऑफिस आवर्स या स्कूल फीस? ओके, आई एम थिंकिंग आई थिंक लॉन्गर ऑफिस आवर्स। यू सी एवरीथिंग लॉन्गर इज गुड, यू सी, आई मीन ऑफिस आवर्स, प्ले आवर्स, स्लीपिंग आवर्स, नॉट यू एक्चुअली नर्सिंग। वैसे आई फील 24 आवर्स की बजाय ना दिन में 28 आवर्स होने चाहिए एंड जो थर्ड ऑप्शन है ना, आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट। आपको भी है, सी होने का तो आप कैसे भी किसी से भी ले सकते हैं हेल्प, लाइक स्कूल फीस तो मिल जाएगी ना, बट स्कूल एडमिशन करवाते हुए काफी लोगों का खराब हो जाता है कॉम्प्लेक्शन। बट अभी के लिए आंसर्स आर इन और जवाब दे रहे हैं लोग, मेजॉरिटी बोल रही है 1 or 2 child policy। देखिए, बच्चे एक हो या दो हो अच्छे तो होते ही है, लेकिन खुद के नहीं दूसरों के। लाइक ये फील करती है। अच्छा, आप भी फील करते हैं, वेल डन। अभी के लिए आगे चलते हैं, 679 लोगों ने करी है लाइफ यूज एंड गेम में। ओ माय गॉड, हे गाइस, 9,700 से ज्यादा लोग हैं। क्वेश्चन 3 आप लोगों के लिए, हियर इट इज। इनमें से किस तरह की शादी आपको ज्यादा पसंद है, पंजाबी वेडिंग, क्रिश्चियन वेडिंग या कोर्ट मैरिज? वैसे की जो फेवरेट शादी होती है ना, उसमें हैंडसम बराती होने चाहिए, तब मुझे पसंद आती है वो शादियां। सो यू नो, इनिशियली मैं जाया करती थी शादियों में, बट देन स्टेज की बजाय सारी की सारी भीड़ मेरे पास आ जाया करती थी। बट द वर्स्ट पार्ट वाज जब दूल्हा, सोचिए आप, खुद इनसिक्योर होने लगा, क्योंकि दुल्हन से मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी ना,
Just look at me, huh? Flawless, right? And मानती है कि वैसे करने की जरूरत है नहीं शादी क्योंकि उससे आपकी नहीं बढ़ती है capabilities, guys. अभी के लिए जवाब आ चुके हैं एंड लोग बोल रहे हैं पंजाबी वेडिंग्स इनको बहुत पसंद है. But listen, I'm also okay with court marriages. But after party, reception, cocktail, pre-honeymoon, post-honeymoon, sabka sab kuch romantic destinations par hona chahiye. And listen, don't forget to give me a call. मुझे भी बुला लेना ना. 462 लोग अपना दिल यूज करते हुए गेम में वापस आ चुके हैं. 9500 लोग still a part of the game. So excited to meet you. Question 4 आप लोगों के लिए ये रहा. आपकी राय में भारत को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? Religious extremists, Naxals या पाकिस्तानी terrorists? देखिए किससे खतरा नहीं प्यार बढ़ता है. शबाना जी ने कहा था एक दफे. वैसे मुझे पूरा का पूरा भरोसा है अपनी आर्मी पर. जिसे आपको है मुझ पर, गाइस क्रश की बात मैं बाद में करूंगी, फिलहाल मैं भरोसे की बात कर रही हूँ. एंड वैसे इन तीनों 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 खतरों का सामना मैं कर सकती हूँ आपके लिए. एक्चुअली आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. अब कल ही की पार्टी में मैंने इनसे बड़े बड़े खतरों को निपटाया है, तो ये तो शनाया के लिए चुटकी बजवा करके. अभी के लिए जवाब आ चुके हैं चुटकी बजाते ही. एंड जवाब है मेजोरिटी बोल रही है, वजन है पाकिस्तानी टेररिस्ट बोलने वाले लोगों में. ऑलमोस्ट 480 लोगों ने कर ली अपनी लाइफ यूज एंड अभी भी 9500 लोग के साथ जुड़े हुए हैं. गाइस डू यू लाइक माय कमर बंद? आज मैंने एकदम न्यू लगाया है. चलिए बढ़े आगे. फिफ्थ क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. अब जब आप बहुत भूखे होते हैं तो अक्सर क्या ढूंढते हैं? नूडल्स, बिस्किट्स या फिर एग्स? ये तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आपने एक सेलेक्ट करना है. हाँ हेलो हेलो मिस्टर, या आप प्लीज, आप कौन से जोक क्रैक करने वाले? आई ऑलरेडी नो. हाँ मेरे बाल नूडल्स जैसे नहीं हैं, टेस्टी हैं बट नूडल्स जैसे नहीं हैं. फॉर द लव ऑफ गॉड प्लीज कोई न्यू जोक बना लो ना. वैसे इन तीनों ऑप्शन में से ना मेरी भूख किसी ने नहीं मिटाई है क्योंकि मुझे इंसानियत की भूख है. कंपैशन गाइस, कंपैशन, कंपैशन. एंड अभी के लिए द राइट आंसर इन. एक्चुअली सही गलत कुछ नहीं होता है, इसमें मेजॉरिटी का जो जवाब होगा वो ही माना जाता है. लोग बोल रहे हैं बिस्किट्स ढूंढते हैं लोग. ओके 456 लोगों ने कर ली है लाइफ यूज. तो मेरे आज के टोटल में कुल मिला करके जो विजेता बने हैं 2083 लोग. हे मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू. हेलो हेलो सेलिब्रेशंस प्लीज. हां जी, हैप्पी और नॉट हैप्पी? लिसन के साथ है तो हैप्पी होंगे ही ना, क्योंकि मैं कितने सारे लोगों की लाइफ में खुशियां लेकर के आती हूँ. फिलहाल के लिए सुनिए, आप खुश हैं तो प्लीज अपनी एक सेल्फी क्लिक कर लीजिए एंड बाजी नाउ, BAAZINOW. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप भेज सकते हैं अपनी फोटोज को. एंड अभी के लिए हे मिनी, व्हाट अ क्यूट नेम, सलोनी, हेलो, राजेश, धर्मेश, शालिनी, सुरेश, बोनी, सिंटू, सबको हाय गाइस, हेलो. बट सुनिए, अगर आपको लग रहा होगा तुम बहुत ही लाइक वी नो दैट यू फ्लॉलेस, बट तुम कुछ जिता नहीं पाई हो हमको, सो डू नॉट वरी, क्योंकि शार्प शार्प एट 4:30 PM आप खेल सकते हैं नंबर्स का गेम यानी कि बिंगोबाजी. एंड देन शार्प एट 8:30 PM, ओह माय गॉड, सुरेश मेनन विल बी हियर, द फेमस एक्टर, कॉमेडियन एंड पप्पी कैट शॉडी बॉडी भी. देन शॉप एट 9 PM पोलबाजी खेलिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा. कौन आ रहा है वो तो आपको शो पर ही पता चलेगा. एंड दोबारा से मुलाकात होगी कल 1 बजे आपसे मिनी ब्रेन बाजी खेलते हुए. एंड लिसन, जाने से पहले आई नो आपको पता होगी ये बात दैट विंटर्स आर हियर, स्टे कोजी एंड प्लीज पकड़ के रखिए एक दूसरे का हाथ गाइस, तभी तो गर्मा गर्म रहेंगे आपके भी हाथ और आपके पार्टनर के भी हाथ. अभी के लिए मैं जाती हूँ एंड आई विल सी ऑल माय प्रिटी पीप्स वेरी सून. आ गया है क्या? ओके माय फ्रूट पॉलिसी, आई विल सी यू.